वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज खड़े मैं आपको एक ट्रेंडिंग सॉन्ग के बीट पर दो अलग इफेक्ट लगाकर एक बेहतरीन स्टेटस कैसे बना सकते हैं इसका ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों काफ़ी कमाल का और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, इसे आप अंत तक जरूर देखें और जहाँ पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑलपेनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकेप एक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं उन सभी की लिंक आपको एक वेबसाइट के जरिए मिल जाएगी। उस वेबसाइट में जाकर आप इनको डाउनलोड या इंपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को अलाइड मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है। कुछ इस तरह का हमारा दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, तो आप जब इस सॉन्ग को प्ले करेंगे तो इसमें आपको ऑडियो सॉन्ग नहीं सुनाई देगा। इसके लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है और मैंने ऑल मटेरियल्स में ऑडियो सॉन्ग इस यही ऑडियो सॉन्ग है दोस्तों, लेकिन इसमें हमें सुनाई देता, तो ये वाला ऑडियो सॉन्ग है इसको आपको ऐड कर देना है सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं इस ऑडियो सॉन्ग को ऐड कर लेने के बाद आपका ऑडियो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑडियो आ जाएगा, सिर्फ हमें अब ये बीट मार्क पर काम करना है और बीट मार्क पर फोटो ऐड करने के बाद इस वाले सॉन्ग को आपको डिलीट कर लेना है, ये वाला जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल मीडिया फाइल यूज फॉर दिस लेयर इज मिसिंग। तो कुछ ग्लिच की वजह से हो रहा है, दो तीन बार मेरे साथ हुआ है दोस्तों, लेकिन आपको सॉन्ग को ऐड करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा स्टार्टिंग वाला बीट मार्क है वो 8 सेकंड पर है, तो आपको 8 सेकंड पर आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो इमेज जाना है और जिन भी इमेज पर आप स्टेटस बनना चाहते हैं उन इमेज को वन बाय वन ऐड कर देना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैंने जो इमेज ऐड किए हैं उन इमेज को यूज़ करना, तो मैं इनको ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों इस तरह से आपको इमेज को ऐड कर लेने के बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्कर पर जाना है, तो आप इस वाले बटन की मदद से एक टच में नेक्स्ट वाले बीट मार्कर पर जा सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद इस वाले बटन की मदद से इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, 3 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा सा इमेज को जूम कर लेना है, जब तक व्हाइट कलर का पार्ट नहीं जाता तब तक इसको जूम कर लीजिए। दोस्तों करने के बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद फिर से एक बार प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और अगली इमेज को आपको ऐड कर देना होगा। दोस्तों इस तरह से इमेज को ऐड कर लेने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे भी फुल स्क्रीन कर देना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर 3 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेना है। दोस्तों करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बिट मार्कर पर जाना है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर देना है। दोस्तों इस तरह से जितने भी हमारे बिट मार्क है उन बिट मार्क के बीच में इमेज को ऐड कर लेना है, तो मैं सभी इमेज को ऐड करके आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को ऐड कर लेने के बाद अब हमें इमेजेस में इफेक्ट्स को लगा देना है। दोस्तों दो डिफरेंट इफेक्ट है और कौन से इमेज पर कौन सा इफेक्ट लगाना है इसके लिए आपको वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमने सेकेप प्रीसेट लिंक आपको दिए उसको अलाइड मोशन एप्लीकेशन में सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा सेकेप प्रीसेट लिंक है। दोस्तों इसमें आपको दो इमेज देखने को मिल जाती है, पहले में एक अलग इफेक्ट है और दूसरे इमेज में दूसरा इफेक्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे दूसरा नंबर वाला इफेक्ट है उस इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इन इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको बैक आना है हमारे प्रोजेक्ट में, जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है वहाँ पर आने के बाद पहले इमेज है हमारी 8 सेकंड के बाद उस इमेज पे टच करना है, इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। दोस्तों एक करने के बाद उसके आगे वाले जो भी इमेज है उसमें भी आपको यही इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इस तरह से पहले दो इमेज है उसमें हमने इफेक्ट पेस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको जो 3 नंबर वाली इमेज है, तो आप देख सकते हैं 3 नंबर वाली इमेज इन दोनों इमेजेस में ड्यूरेशन में ज़्यादा है, तो इसमें हमें इफेक्ट पेस्ट नहीं करना, इसमें अलग बीट है तो हमें दूसरा वाला इफेक्ट इसमें ऐड कर लेना है। दोस्तों इसके बाद आपको जो 4 नंबर वाला इमेज है उस पर टच करना है और इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। दोस्तों इसके बाद भी जो इमेज है 5 नंबर वाली उस पर भी आपको इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों आपको अब समझ आया होगा कि दो बैक टू बैक टू इमेज में आपको ए वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, कर देना है। जो 2 नंबर वाला इमेज में आप हमने कॉपी किया था उनको आपको बैक टू इमेज में इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, और 3रे नंबर पे जो ड्यूरेशन में ज़्यादा है इमेज, तो ये वाली इमेज ड्यूरेशन में ज़्यादा है सबसे, तो इसमें आपको दूसरा पहला वाला पहले इमेज वाला इफेक्ट लगा देना है जो हमारे सेक इफेक्ट में है। दोस्तों इस तरह से आपको, तो आप सपोज आपने इस वाले ड्यूरेशन में बड़े वाले इमेज में पहला इमेज वाला इफेक्ट लगा दिया, तो उसके बाद इन लगातार दो इमेज में आपको ए वाला इफेक्ट अभी हमने जो पेस्ट किया पीछे वो इफेक्ट इस दोनों भी इमेज में आपको पेस्ट कर देना है। दोस्तों इस तरह से आपको इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो आपको नेक्स्ट ये दो में भी करना होगा, उसके बाद
ये तो इन दोनों भी करना होगा, जहाँ पर मेरा पॉइंट है इनमें भी करना होगा दोस्तों। अब हमें बचा हुआ इफेक्ट पेस्ट कर देना है, तो आपको सही इफेक्ट प्रीसेट में फिर से एक बार ओपन कर लेना है, पहले इमेज पे टच करना है, इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके इन इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर दिए दोस्तों। एक नंबर बैक आना है, सॉन्ग बिट मार्क प्रोजेक्ट में जाना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन, पहले दो में हमने दूसरा इफेक्ट लगा दिया है, तो अब हमें पहले इमेज वाला इफेक्ट लगा देना है। तो तीन नंबर वाले इमेज पे टच करना है, इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके इस इफेक्ट्स को पेस्ट इफेक्ट्स कर दिए। तो हमने तो इसके बाद दो इमेज छोड़कर आपको तीसरे इमेज पर टच करना है, इफेक्ट में जाकर इन इफेक्ट्स को आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर दो इमेज को छोड़ना है, तीसरे इमेज पर टच करना है, इफेक्ट में जाकर इन इफेक्ट्स को पेस्ट इफेक्ट कर देना। दोस्तों इस तरह से आपको दो इमेज के बाद इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। दोस्तों आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ दोस्तों आपको क्या करना है। पहला तो हमने दो नंबर और सेकंड इफेक्ट प्रीसेट लिंक में हमने दो फोटो ऐड किए हैं, उसमें दूसरे पहले इमेज और दूसरी इमेज, तो दूसरे इमेज वाला इफेक्ट आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है, और जो स्टार्टिंग में इमेज है 8 सेकंड के बाद उनमें आपको इन इफेक्ट्स को दो पहले दो इमेज पे इन इफेक्ट्स को पेस्ट कर देना है। उसके बाद तीसरी इमेज दिखाई देगी, उसमें इफेक्ट पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद वाले दो इस तरह से दो 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 और तीसरे इमेज पर आपको पहले फोटो वाला इफेक्ट पेस्ट करके ऐड कर देना है। दोस्तों एक लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एंड इमेज आना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने एक वीडियो इफेक्ट आपको प्रोवाइड किया है दोस्तों, उस वीडियो इफेक्ट को आपको ऐड कर देना होगा। वीडियो इफेक्ट है दोस्तों, इसको आपको ऐड कर देना है। ऐड कर लेने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको फिर स्क्रीन पर एनेबल कर दीजिए, और जहाँ पर हमारा पहला बिट मार्कर है वहाँ पर आने के बाद इस इफेक्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको कट कर देना होगा। एक करने के बाद फिर से एक बार बैक आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड इमेज जाना है, और मैंने एक पीएनजी दी है दोस्तों, अगर आप एक अलग पीएनजी यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं दोस्तों। ये वाली पीएनजी आप देख सकते हैं, इस पीएनजी को आपको ऐड कर देना होगा। पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद मूवमेंट ट्रांसफर में जाकर तीन नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसको इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया दोस्तों। एक करने के बाद हमारे पहले वाले बिट मार्कर पर आना है, और इस इमेज का इमेज को बिट मार्कर तक एक्सटेंड कर देना होगा दोस्तों। एक लेने के बाद अब हमारा 90% काम हो चुका है, अब हमें सिर्फ इस अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी लोगो लगाना है वो आप लगा सकते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग से 8 सेकंड तक पहले बिट मार्कर तक आप इंस्टाग्राम लोगो लगा दीजिए, उसके बाद अपना यूट्यूब या अदर लोगो भी आप लगा सकते हो। तो वीडियो को शेयर करने के लिए आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो में जाना है, वीडियो एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन, वीडियो की क्वालिटी, फ्रेम रेट सिलेक्ट कर देना है दोस्तों। 1080 पिक्सल यानी कि फुल एचडी में आप इसको आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर जिनके मोबाइल में नहीं होता तो सब में होगा, जिनके मोबाइल में नहीं होगा वो 720 पिक्सल में इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए दोस्तों। आपको एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, और 2-3 मिनट वेट करने के बाद एक सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, उस सेव के ऑप्शन पर टच करके आपको इस स्टेटस को अपने डिवाइस में सेव कर लेना है दोस्तों। इस तरह से आप इस वीडियो को बनाकर अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है एक और ऐसे वेदन स्टडी रीडिंग टूटल में, तब तक क्लियर टेक्नो, जय साइनिंग ऑफ।